जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। republicpolicy.com की तरफ से मैं अब्दुल लतीफ़ और मेरे साथ चौधरी ताहिर मकसूद साहब आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। हम पिछले कई प्रोग्रामों में ये कौमी असम्बली के हलका जात जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वो डिस्कस कर रहे हैं। तो दरअसल माह अक्टूबर और माह नवंबर 2023 में रिपब्लिक पॉलिसी ने एक ग्रास रूट लेवल पर सर्वे कंडक्ट करवाया था और वहाँ पर लोगों की राय मालूम की थी। उस राय की रोशनी में पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की एक परसेंटेज सामने आई थी और उसको सामने रखते हुए आज हम ज़िला पाकपतन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़िला पाकपतन में कौमी असम्बली के दो हलके हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि 2018 के इलेक्शन में जो पाकपतन 1 है उसका नंबर था NA 145। ये तहसील पाकपतन पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जो मेन बिरादरी हैं वो वट्टू बिरादरी है, सादात हैं, डोगर हैं, राजपूत हैं, अराई और दीवान बिरादरी के लोग भी यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से मियाँ अहमद रज़ा मानेका साहब PMLN की तरफ से 1,18,600 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में PTI की तरफ से मोहम्मद शाह खग्गा साहब 90,800 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे, जबकि तीसरे नंबर पे यहाँ पे सरदार मनसब डोगर साहब थे जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया था और 32,500 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे। अब आते हैं पाकपतन 2 पे। ये तहसील आरफ वाला, नूरपुर और पाकपतन तहसील के कुछ एरियाज़ इसमें शामिल हैं। 2018 में इसका नंबर था NA 146 और यहाँ पे जो मेन बिरादरी हैं रिहाइश पजीर हैं वो जोया बिरादरी है, राजपूत बिरादरी है और अराई बिरादरी यहाँ पर रिहाइश पजीर है। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना इरादत शरीफ 1,38,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में PTI की तरफ से अमजद जोया साहब ने 1,01,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। पाकपतन में जो पॉपुलर वोट है जो हम सर्वे के नतीजे में सामने आया वो है 40% और ट्रेडिशनल वोट जो है वो है 60%। प्रोग्राम में आगे जाकर पॉपुलर वोट में से जो सियासी पार्टियाँ हैं उनकी क्या स्टैंडिंग है कि पॉपुलर वोट में से किस सियासी पार्टी के साथ लोगों ने कितनी वाबस्तगी जाहिर की है वो परसेंटेज हम बाद में बताएंगे। अभी इस डाटे को सामने रख के मैं चौधरी ताहिर मकसूद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी राय से आप लोगों को मुस्तफीद फरमाएं। जी नाज़रीन इकराम, ये पाकपतन शरीफ अगरचे गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बड़ा ख़बरों में रहा लेकिन ये उस रीजन में है जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान थे वो कामयाब हुए थे और PTI को नाकामी देखनी पड़ी थी 2018 के इलेक्शन में। और शायद इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे PTI की कोई बाकायदा जो तंजीम साजी नहीं हुई, वहाँ पे कोई उनकी कोई ऐसी जो थी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि वो वोट जो है वो प्रॉपर तौर पे हासिल नहीं कर सके। तो यहाँ पे भी जो ट्रेंड यहाँ आप देखेंगे काड़ा से चलता हुआ आ रहा है वो यहाँ पाकपतन में भी है और यहाँ पे जो PTI और नून लीग का 2018 में गैप भी काफ़ी था वोटों का और इस वक्त भी सूरत हाल कमोबेश वही है। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो किस कैंडिडेट को मैदान में उतारती है तो और कैंपेन के बाद जो है सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी। ताहम जिस तरह बाकी पंजाब और पूरे मुल्क में PTI का को कहा जा रहा है कि इस वक्त वो पॉपुलर तरीन जमात है तो यहाँ पे भी उसका वोट कदरे बेहतर हुआ है। तो जॉय साहब, तो यहाँ पे भी जिस तरह उकाड़ा का आपने ज़िक्र किया है तो यहाँ पर भी जो आप कह लें कि देहात के एरियाज़ हैं जहाँ पे मकामी लोग आबाद हैं, एक उनका रख रखाव और एक अफिलिएशंस जो है वो आपको नज़र आती है कि उसका अमल दखल है ट्रेडिशनल वोट में। देखिए, पाकपतन भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे
अभी तक लोगों तक वो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इतने जो है वो फास्ट नहीं हैं, अगरचे सोशल मीडिया का दौर है, बट लोग बहुत सारे जो हैं वो देहात में आबाद हैं, और देहात में ख़ास तौर पे जो दरिया का किनारा है, मेरी मुराद जो है वो दरिया सतलुज है, तो ये कंपैरेटिवली जो मेन स्ट्रीम शहर हैं या बड़े कस्बे हैं उनकी नस्बत यहाँ पे लोगों में जो ये इंफॉर्मेशन है वो कम पहुंचती है, तो ये लोग अभी तक वो अपना जो रवायती उनकी जो रस्म और रवाज हैं उसी में बंधे हुए हैं, और यहाँ पे जो इनके अपने धड़े हैं या अपने जो ग्रुप हैं उनके साथ ही इलेक्शन में जाते हैं। तो जी नाज़रीन, तो मैं आखिर में जो आपसे लोगों से वादा किया था कि वो मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पॉपुलर वोट है 40%, उसमें से जो पीटीआई है उसके साथ लोगों की वाबस्तगी कोई 46% है, जबकि पीएमएलएन के साथ 33% लोगों की वाबस्तगी उन्होंने जाहिर की, जबकि 21% जो है वो अदर्स में यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर भी जो सबके जो पॉपुलर वोट है, जिस तरह आपने फरमाया कि जो एक मौजूदा मुल्क में एक वेव है एक पॉपुलैरिटी की, उसमें कुछ हमदर्दी का फैक्टर भी आप कह सकते हैं, तो उसको या सोशल मीडिया अवेयरनेस या इनको सारों को मद्देनज़र रखें तो पॉपुलर वोट गो के पाकपतन में 40% है, ट्रेडिशनल जो है वो 60% है, लेकिन 40% में से पीटीआई जो है वो पीएमएलएन से आगे है, और अदर्स भी वो भी 21% पे है, पीटीआई से तो बहुत पीछे हैं। तो क्या इस पॉपुलर वोट को पीटीआई और पीएमएलएन का भी 33% है, तो इलेक्टेबल्स की सूरत में वो इसको अट्रैक्ट कर सकेंगे? देखिए मल साहब, जो बात है ना कि पीटीआई को हमदर्दी है वो शायद बहुत ज़्यादा कोई फैक्टर मैटर नहीं करता। इनफैक्ट जो पिछली गवर्नमेंट रही उस दौरान जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी, बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, महंगाई हुई, तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गए, जो कि अगरचे उसमें तकरीबन सारी जमातें शामिल थी लेकिन नाम तो यही लगता है ना कि जी हुकूमत जो थी वज़ीर आज़म चूँकि पीएमएलएन से थे मियां शहबाज शरीफ साहब, तो इसलिए हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, और अभी जो निगरान गवर्नमेंट है ये आम तासर है कि उसी गवर्नमेंट का ये तसलसल है, तो इसलिए जो है उस वहाँ पर पीटीआई को पॉपुलरिटी मिल रही है। लेकिन 44% पॉपुलर वोट में से अगर सारा का सारा भी एक पार्टी को मिल जाए तो जीतना वो मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, क्योंकि जो शरा है मैक्सिमम अभी तक अगर पाकिस्तान में हुई है तो 50% वरना 30 या 40% होती है, तो 50% वोट कास्ट होते हैं तो 44% का वो ज़ाहिर है आधे वोट होंगे, आधे वोट लेके 22% या 25% वोट लेके जीतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये जब 60% जो ट्रेडिशनल वोट है जो कैंडिडेट के साथ है तो ये पार्टियों के वोट जितने भी हों ये उनको सपोर्ट करेंगे और अच्छी और कंपेन जो है वो चलाने के बाद इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए आसानी होगी। ये बात तो दुरुस्त है जो सब के जी हक के राय दही इस्तेमाल करना एक कौमी फरीजा है, तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट किए जाएं, अपना हक इस्तेमाल किया जाए। ये जो परसेंटेज है वो कास्टिंग की, जैसे आपने फरमाया कि 50% या कोई 51 या ज़्यादा 40 और 50 के दरमियान है, तो इसको अगर 60% 70% तक अगर कास्टिंग चली जाए तो ज़ाहिर है फिर उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने अपने जो ट्रेडिशनल वोट्स हैं उनको कास्ट करवाएंगे, और साथ में पॉपुलर वोट भी। अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि पॉपुलर वोट जो है वो सारा कास्ट होगा, तो ये तो डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि वो जब इलेक्शन कंपेन चलाते हैं वोटर्स को वो कितना मोटिवेट करते हैं कि वो पोलिंग वाले दिन जाकर अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, और साथ ही कि वो उम्मीदवार जो है वो अपनी पार्टी का मंशूर
अपने पार्टी के लीडर के बयानिए को वोटर्स तक ये कन्वे करे, पहुंचाए, ताकि उनको बताया जा सके कि आपका वोट की, आपके वोट की कितनी अहमियत है, और वो कास्ट होगा तो बेहतर रिजल्ट्स सामने आएंगे। तो जो सब इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं, बल्कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी पोलिंग पे ड्यूटी होगी तो वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करें, और बाकी जो सरकार मुलाजमीन जिनकी ड्यूटी नहीं होती, चूँकि उस दिन छुट्टी होती है तो वो आम तौर पर रेस्ट करने को तरजीह देते हैं। तो इस ज़रूरी है कि इस कौमी फ्रीज़े के लिए कि वो जाकर पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट करें। तो आखिर में चौहान साहब ये ज़रा बता दें नाज़रीन को कि जो इलेक्शन से रिलेटेड कवानीन हैं उनकी क्या अहमियत है, और जो उम्मीदवारान हैं वो और आगे पोलिंग एजेंट्स को उनके लिए कितना ज़रूरी है कि उनसे उनको आगाही हासिल हो। देखिए जी, वैसे तो कानून हर शख्स को जानना चाहिए, बट आप एक ख़ास इलेक्शन में जा रहे हैं तो जो इलेक्शन में लड़ने वाला कैंडिडेट है और ख़ासतौर पर जो उसके एजेंट हैं उनके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शन कवानीन क्या हैं, इलेक्शन रूल्स क्या हैं, और इलेक्शन जो है तमाम का तमाम जो है इलेक्शन कमीशन ने जो भी अपने रूल्स बनाए हुए हैं उनके आगे फॉर्म्स बन दिए हुए हैं, तो वो 66 फॉर्म हैं, उनको जानना बड़ा ज़रूरी है कि किस फॉर्म पे आपने नॉमिनेशन पेपर देने हैं, अगर कोई इतराज़ फाइल करना तो वो किस फॉर्म पे जाना है। और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट जो आम लोगों के लिए अहम फॉर्म है वो है फॉर्म 45। आपने सुना होगा फॉर्म 45 के बारे में। फॉर्म 45 वो है जो इलेक्शन के दिन जो रिज़ल्ट है वो इस फॉर्म पे दिया जाता है, जिस पे फ्री कैन के एजेंट जो हैं उनके दस्तखत होते हैं और जो पोलिंग अफसर है उसके दस्तखत होते हैं। अगर ये फॉर्म 45 जो है ख़ास तौर पे ये दुरुस्त तौर पे और दिलचस्पी लेके जो कैंडिडेट के एजेंट हैं उन्होंने इस पे दस्तखत किए हों, इसको फिल करवाया हो, तो अगर कभी उसके बाद अगर कोई इख्तलाफ पैदा होता है तो ये फॉर्म हैं जो मुख्तलिफ फोरम्स पे इस्तेमाल होते हैं और बाद में ये फ़ायदा देते हैं, तो इसलिए जानना सबके लिए ज़रूरी है। तो जी नाज़रीन, जो रिपब्लिक पॉलिसी के सर्वे के नताइज थे वो आप लोगों के सामने रखे हैं, जो 2018 की इलेक्शन के नताइज हैं वो सामने रखे हैं। तो अभी चूँकि शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, शेड्यूल अनाउंस होता है सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारान नामजद करते हैं, तो फिर इस सिलसिले में बेहतर तजिया हम आप लोगों के सामने रख सकेंगे। तो इसके साथ ही मैं अब्दुल लतीफ़ और चौधरी ताहिर मकसूद साहब आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो उसमें मज़ीद तफसील के साथ ये तजिया पेश करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।